more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. इस साल के आखिरी के दो महीनों में बॉक्स ऑफिस पर घमासान मचने वाला है। कमाई के लिहाज से भी बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने वाली है। साल के एंड में तीन बड़ी फिल्में रिलीज होनी हैं और तीनों फिल्मों को लेकर अभी से फैंस के बीच में दीवानगी देखने को मिल रही है। ये तीनों फिल्में हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2.0 और जीरो। तीनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और मेकिंग के लिहाज से भी ये तीनों ही फिल्में शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस फैंस को कर चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, जिसमें आमिर खान और अमिताभ जैसे लेजेंड्स साथ में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी तो मजेदार लग ही रही है, मेकिंग के लिहाज से भी यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा दिया है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ठीक 20 दिन बाद पर्दे पर शंकर की फिल्म 2.0 रिलीज होने वाली है। रजनीकांत और अक्षय कुमार शरण इस साईफाई फिल्म की मेकिंग में ही तकरीबन 550 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसके बाद साल के अंत में 2.0 के ठीक 22 दिन बाद 21 दिसंबर को आनंद एल राय की फिल्म जीरो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान एक बोने के शख्स के रूप में हमें दिखाई देने वाले हैं। लेकिन अब जाते जाते आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दे देते हैं कि इन तीनों फिल्मों को लेकर स्क्रीन शेयरिंग की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि 20 दिनों के आसपास का गैप इन तीनों फिल्मों के बीच में है, लेकिन फिर भी अगर कोई फिल्म 20 दिन से ज्यादा टिक गई तो दूसरी फिल्म के लिए ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो बिजनेस और एंटरटेनमेंट दोनों के लिहाज से साल के एंड में दो महीने बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। तो आप कौन सी फिल्म के इंतजार में हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।